श्री शिव मठ धाम में ब्रह्मलीन 1008 स्वामी नित्यानंद मुनि जी महाराज की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिस तहत आयोजन 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन व्यास गद्दी पर आसीन राम जी महाराज ने भगवान शिव के विवाह का वृतांत सुनाया। इस दौरान इस अवसर पर स्वामी रत्नेशानंद जी, सीमा बहन, श्री राधा संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष अशोक बंसल, लखविंदर शेरू, राजेंद्र गार्गी, सुरेंद्र बिट्टू, विमल शर्मा, रविंद्र बबला, अनिल बंटी, अजय कुमार, डॉक्टर मक्खन, चमन लाल, राजेश गोयल, देवेंद्र चौहान, नरेश कुमार वैद्य, केवल कृष्ण, दर्शन शर्मा, नरेश कुमार, बख्तावर सिंह और कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। और जाकर के पहुँच करके विवाह खुला तो कोई छूट जाए, किसा भी नंबर आए चाहे ना आए, लेकिन विवाह होगा तो सबसे पहले नंबर के आसन में बैठ गए। और जो आई, जो विश्व मोहिनी आई और नारद जी महाराज के तरफ देखा, देखते ही अपना मुंह घुमा दिया। थोड़ी देर बाद झांकी भी आपके सामने उपस्थित है, मुंह घुमा दिया और आगे बढ़ गए। और जिम आगे बढ़े, दूसरे ऋषि को देखा, बगल में दो बैठे हैं, कौन? शंकर जी के रुद्र गण। बोले शंकर भगवान की, क्योंकि जहाँ कोई भगवान का भक्त शंकर, वहाँ आज शंकर भगवान बैठे, शंकर भगवान के गण बैठे हैं। जो देखा, विष्णु मोहनी आगे बढ़ गई, नारद जी महाराज ने देखा, सोचा कि अपन है तो बहुत सुंदर।